हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफरीन और आज मैं लेके आई हूं द मोस्ट रिक्वेस्टेड मेकअप वाला वीडियो, साउथ इंडियन ब्राइडल मेकअप। मेरे साउथ इंडियन जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों ने मुझे कहा था कि एक साउथ इंडियन ब्राइडल मेकअप के लिए, तो आज मैं वहीं पर जा रही हूं। साउथ इंडियन ब्राइडल मेकअप के लिए जितना भी सामान चाहिए मैंने ले लिया है। मतलब ये जो मेकअप है कैसा होगा पता नहीं है, आप लोग देख के मुझे ज़रूर बताना कि कैसा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स गो। ठीक है, फिर आप स्टार्ट कीजिए एंड थैंक यू पर्दे के लिए। मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है बाहर, तो थैंक यू उसके लिए। फिर स्टार्ट कीजिए आप मेकअप। ठीक है, तो आप वीडियो को चलाना। मैंने तो आपको कहा था ना कि मेरी शादी है और इस टाइम पे तो मैं किसी को बुला नहीं रही हूँ, और मतलब मैं ही थोड़ा बहुत वो रिकॉर्ड वगैरह करके रख रही हूँ, वरना बाद में तो शादी का कुछ रहेगा नहीं ना मेरा, इसीलिए। ठीक है एंड थैंक यू दोबारा। मतलब मुझे सच में अच्छा लगता है ना बैकग्राउंड अगर पीछे रहे तो, वरना आपका तो घर है ये, तो ठीक है, थैंक यू उसके लिए। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। शुरू कर। थैंक यू। तो शुरू करने के तुरंत बाद ही ये आ गई एक आरती उतारने के एक चीज़ को लेके जिससे धुआं निकल रहा था, और पता नहीं ये क्या चीज़ है, बट इससे मेरी सांस रुक रही थी। ये क्या था? अच्छा, तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने ये धुआं वाला टोनर देखा जो बहुत ही गंदा था। मतलब मेरी फेस पे तो कुछ लगा ही नहीं। तो इसके बाद वो आगे एक मॉइस्चराइज़र क्रीम लेके, जिनसे वो कर रही है मेरी स्किन पे अत्याचार। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बर्तन चमकाया जा रहा है, मतलब नेचुरली मुझे वाइट किया जा रहा है, चमका के, घिस के। आपको पता है ना साउथ इंडियन मेकअप कैसे होता है? আমি করিনি কিন্তু আমি জানি কিভাবে করতে হয়। তুমি কি সাউথ ইন্ডিয়ানের বিয়ে করছো? हां, मैं तो बंगाली हूँ, बट मैं जो शादी कर रही हूँ मेरा हस्बैंड वो साउथ इंडियन, तो इसीलिए शादी के दिन वो लोग अपने यही कह रहे थे कि साउथ इंडियन की तरह ही शादी होगा हमारा, तो इसीलिए ये वाला मेकअप। वैसे मुझे भी कुछ खास आइडिया नहीं है इसके बारे में। सो बात करते करते इन्होंने प्राइमर अप्लाई कर दिया और अभी वो यूज़ कर रही है, मतलब ड्रॉ कर रही है आईब्रोज़ को। देखते हैं आईब्रोज़ को वो कैसे ड्रॉ करती है। और एक जो चीज़, ये मेकअप आर्टिस्ट जो है वो एकदम रोबोट जैसी है, रोबोट की तरह ही बात कर रही थी। और एक जो चीज़ है, आप लोग बहुत सारे लोग कहते हो कि मैं पीछे पर्दा क्यों यूज़ करती हूँ बेस्ट मेकअप वर्स्ट मेकअप के टाइम पर, क्योंकि इससे जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छी दिखती है, क्योंकि इन लोगों का घर होता है, इनके घर पर जाके मैं मेकअप करके आती हूँ, तो पीछे घर होने के कारण वीडियो में बहुत ही दिखने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं उनको कहती हूँ कि एक पर्दा वो मेरे लिए सेट कर दे ताकि वीडियो दिखने में अच्छी लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा दिखने में। तो देखो, बात करते करते इनको आईब्रोज़ जो है ड्रॉ करना हो गया है, और ये आईब्रोज़ हाँ ठीक ठाक है, मैं इसको ख़राब बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। और अभी वो अप्लाई कर रही है कंसीलर, और वो भी अपने फिंगर से। मतलब बाकी मेकअप आर्टिस्ट में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। आपके पास, मतलब आप ब्रश नहीं यूज़ करते हो? ब्रश नहीं है आपके पास? अच्छा, फिर भी आपको इस सिचुएशन में ना आपको ब्रश यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सेफ़ है, आपके लिए भी सेफ़ है और जो मेकअप करा रहा है उनके लिए भी सेफ़ है, तो आपको शायद ब्रश यूज़ करना चाहिए। सो ये बात कहने के बाद उन्होंने मुझे कुछ भी आंसर नहीं दिया। मतलब दीदी को बुरा लग गया, वो नहीं करेगी ब्रश यूज़, यार उनकी फिंगर है, वो उसी से ही काम चलाएगी और हम लोगों को यही मानना पड़ेगा। वाओ। तो जो भी हो, मैं आप लोगों से और एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो बेस्ट मेकअप के लिए मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, बट मैं उनके पास नहीं जा पाती हूँ, उनका घर काफ़ी दूर रहता है। सो अगर मेरे घर के पास कोई है जो बेस्ट मेकअप करना चाहता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी। सो थोड़ी देर पहले मुझे ये लगा था कि शायद वो कंसीलर अप्लाई कर रही है मेरी आँखों के ऊपर, बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। ये तो यूज़ कर रही है आई शेडो, वो भी एकदम वाइट वाला। मतलब ये आई शेडो नहीं है, ये हाईलाइटर है, जो इससे मेरी जो आईलिड है इसको वो सिंपली चमका रही है। वो छोटे से ब्रश को लेके जो आई शेडो पैलेट के साथ फ्री में आता है, और उसके कॉर्नर में उन्होंने पिंक लगा दिया। अब पता नहीं पिंक कलर कहाँ से आ गया बीच में। और कुछ नहीं करोगे आप? साउथ इंडियन में ये रकम ही मेकअप हल्का मेकअप है। हां हल्का होता है, बट ये तो कुछ ज्यादा ही हल्का हो गया है। ठीक है, करिए। तो मैंने इनसे जब पूछा कि आपका आई शेडो का जो सब कुछ कार्यक्रम है वो ख़त्म हो गया, तो उन्होंने ये कहा कि बस साउथ इंडियन में ऐसा ही हल्का मेकअप होता है, बट इतना भी हल्का तो नहीं होता है ना यार। क्या किया उसने, सिर्फ हाइलाइटर लगा दिया और बस एक पिंक आई शेडो लगा दिया, और कुछ नहीं, बस हो गया इनका, यार हद है। सब इन्होंने 10 लीटर का आईलाइनर चढ़ा दिया मेरी आँखों के ऊपर, और पता नहीं ये सूखने में कितना दिन टाइम लगेगा। सो फाइनली ये सूख ही गया। सो अभी बात अप्लाई करने वाली है उंगली से, कंटूरिंग करने वाली है उंगली से, मतलब एक ही बात है। तो जो भी हो वो अभी करने वाली है कंटूरिंग, और पता नहीं इसके बाद मैं कैसे दिखूंगी। अभी मैं दिख रही हूँ मतलब ऐसा ही लग रहा है, रोबोट जैसी फीलिंग्स आ रही है मेरे अंदर से। ये जो लेडी है वो तो खुद बात करती है रोबोट की तरह, तो वो सोच रही है कि मुझे भी क्यों ना रोबोट बना दिया जाए। और एक जो चीज़ है, ये इस वीडियो को आप लोग इतना ज़्यादा एंजॉय करते हो, बट सब्सक्राइब के टाइम पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हो, और जो लोग सब्सक्राइब करते हो आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो। मतलब आधा अधूरा काम, इससे क्या होगा आप ही बताओ मुझे। और एक तो मैं इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ, और सब्सक्राइबर्स अगर ज़्यादा ना हो तो इस किससे ज़्यादा बड़ी दुख की बात और कुछ हो नहीं सकती है। आप लोग शायद समझो इस दुख को। और मेरे प्रीवियस मैंने एक चैलेंजिंग का वीडियो बनाया था, लिविंग इन अ किचन फॉर 24 आवर्स, एक यूज़लेस किचन में हमारे वो बनाए थे मैंने। आप लोगों ने तो ज़्यादा देखे ही नहीं उसको। यार ऐसा कैसे चलेगा यार, आप लोग क्या मुझे प्यार नहीं करते हो? अगर प्यार करते हो तो प्यार दिखाओ, वरना तो मेरा कुछ नहीं होगा, यूट्यूब बंद करना पड़ेगा मुझे। आप लोग देखना मुझे बहुत मिस करोगे, मैं बोल रही हूँ। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि इन्होंने कंटूरिंग वगैरह सब कुछ को इस ब्रश से के मदद से ब्लेंड किया, और अभी वो कर रही है, मतलब लगा रही है, मतलब यूज़ कर रही है फाउंडेशन, जिसका शेड बहुत ही ज़्यादा लाइट है मेरी स्किन के हिसाब से। और पता नहीं ये कब ब्लेंड होगा, और मेरा पता नहीं ये वीडियो ऑरेंज हो गया है, क्या हो गया यार, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया शायद, फ़ोन का तो पता नहीं। बट इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया उनसे ब्लेंड करने की, उस ब्रश के मदद से, उस फ्लड ब्रश के मदद से, बट उनसे नहीं हो पाया। बेचारी अभी हाथ लगा रही है, और हाथ से मतलब जुगाड़ कर रही है, हाथ से अगर जैसे तैसे ब्लेंड करके मुझे छोड़ने के बारे में सोच रही है। बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद जो इनका फाउंडेशन है, इनको जैसे तैसे उन्होंने सेट किया, बट उन्होंने कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं यूज़ किया, इसीलिए वो चिपचिपा जैसा हुआ था, बट पता नहीं क्यों नहीं यूज़ किया। और उसके बाद उसके ऊपर वो लगा रही है ब्लशर ब्लशर ब्लशर। तो बेचारी का जो ब्रश था वो फाउंडेशन से ऑलमोस्ट भर गया था, और उसी से वो ब्लशर लगा रही थी। तो ब्लशर तो मेरे फेस पे लग ही नहीं रही थी, तो बेचारी नाकाम कोशिश किए जा रही थी, और फाइनली थोड़ा बहुत ब्लशर लगा। सो जो ज्वेलरी वगैरह था मैं लेके गई थी जैसे तैसे जुगाड़ करके, तो वो ज्वेलरी मुझे पहना दिया। और अभी आप लोग मेरा हेयर स्टाइल देखो, ऐसे एक टाइट करके एक चोटी बांध दिया, और फ्लावर्स लगा दिए थे उनमें जो मैं लेके गई थी खुद, मतलब मुझे कहा था। और एक जो चीज़ है, इससे मैं एंग्री बर्ड दिख रही हूँ। और आप देखो हाइलाइटर वो कहाँ लगा रही है, मतलब वो खुद कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ चमकाऊँ इसके। ऐसा लग रहा है जैसे चमकीला एंग्री बर्ड, ऐसे ही दिख रही हूँ मैं, आप लोग ही बताओ। सो अभी वो अप्लाई कर रही है मस्कारा, जो ऑलमोस्ट ड्राई है। पता नहीं ये सारे वर्ड्स आर्टिस्ट मस्कारा अपने पास रख देते हैं, बट मैक्सिमम टाइम वो खाली ही रहता है। मतलब क्या साबित क्या करना चाहते हो आप लोग? एक मस्कारा तो खरीद ही सकते हो, इतना पे कर रहे हैं हम लोग। और ये जो फोरहेड पे मैंने लगाया, इसको मैंने बहुत ही मुश्किल से मैंने जुगाड़ किया, बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये फाइनली मिली। बट पता नहीं ये क्या है, मतलब इसको क्या कहते हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। सो जो लोग साउथ इंडियन है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस चीज़ को कहते क्या है और इसको क्यों लगाया जाता है। ये जो भी हो, इनको तो इन्होंने अच्छे से सेट ही नहीं किया। यार सबका मैं ही करूँ तो तुम किस लिए हो यहाँ पे? ना तुमने अच्छे से मुझे साड़ी पहनाया, और ना ही तुमको इसको अच्छे से सेट किया, तुम कुछ काम की नहीं हो। सो अभी वो एक आई लैश लगा रही है, लगा नहीं रही है, चिपका रही है मेरी आँखों में, जिसका साइज़ बहुत ही बड़ा है मेरी आँखों से। अभी मैं वो कार्टून वाली एंग्री बर्ड दिख रही हूँ बिल्कुल, मतलब वो जो बड़े बड़े आँख होते हैं कार्टून जैसी, ऐसी लग रही हूँ। तो इससे तो अगर मैं शादी करने सच में जाऊँ तो क्या होगा, शादी में क्या क्या होने वाला है आप लोग शायद इमेजिन कर ही सकते हो। तो आप लोगों ने कैसा कैसा इमेजिन किया आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो जो भी हो, अभी वो अप्लाई करने वाली है लिपस्टिक, और इसका जो कलर है वो चॉकलेट जैसा है, और जिनसे पता नहीं क्या है। तो एनीवेज, ये जो लिपस्टिक का जो टेक्निक है आप लोग देखो, ऐसे आप लोग भी घर पे ट्राई करना। मतलब अपने लिप्स को ऐसे करके ऊंचा करके लगाना, ताकि आपका जो लिप्स है वो नेचुरली सर्जरी हो जाए, और इससे आप खूबसूरत दिखें। सो ये आर्टिस्ट अभी मुझे कह रही है कि आ करो, तो मैंने आ किया, फिर उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने मुझे फिर से कहा कि और भी बड़ा आ करो, तो मैंने और भी बड़ा आ किया। अभी मेरी ये जो फेस है ऐसा लग रहा है जैसे कि बोअल मच्छर गाल, और मैं सबको 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 खा जाऊंगी। ये तो पूरा लिपस्टिक बाहर आ गया एकदम। अब इसको थोड़ा सा ठीक कर, मैंने इस रोबोट दीदी को कहा कि मेरी जो लिपस्टिक है वो फैल गया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ठीक कर रही हूँ। बट पता नहीं इनको मेकअप आर्टिस्ट किसने बनाया, किसने इनको इनके नाम के साथ ये मेकअप आर्टिस्ट जो वर्ड है किसने जोड़ा, शायद इन्होंने खुद ही अपने नाम के साथ जोड़ लिया। मतलब जिनको एक लिपस्टिक पहनाना नहीं आता हो अच्छे से, उनको तो मेकअप आर्टिस्ट तो क्या, उनको तो कोई नाम ही नहीं होना चाहिए, उनका तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग, मैं परेशान हूँ इन लोगों को लेकर एकदम। सो जो भी हो, ये बिंदी पहनाने के बाद मैं थोड़ा बहुत इंसान दिख रही हूँ, बाकी तो मैं कंचना दिख रही थी। मतलब कंचना का जो नेक्स्ट पार्ट अगर जब भी निकले तो प्लीज़ मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। हो गया आपका मेकअप या फिर और कुछ बाकी है? ना, सब हो गया। तो कितना देना पड़ेगा आपको? बोलिए। 2000 बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको देखो, साउथ इंडियन में ज़्यादा तो कुछ करना नहीं पड़ा आपको, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा मुझको डिस्काउंट दे सकते हो। कि आज तो मेरा साउथ इंडियन ऐसे शादी होगा, लेकिन कल मैं बंगाली हूँ, इसीलिए कल उस स्टाइल में हम लोग थोड़ा सा रिसेप्शन टाइप्स कुछ करेंगे। তাহলে তো পরপর দুদিন মেকআপ হবে, তাহলে তুমি 1500 ही दियो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, फिर चलती हूँ, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू। सो गाइज़, मैं घर आ गई हूँ एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हो मेरी जो आई लैशेज़ है वो ऑलमोस्ट खोल के बाहर आने के लिए तड़प रहा है। और आप लोग मेरी आईलाइनर को देख लो, एकदम लाइन ही नहीं हुआ है ठीक से। एंड लिपस्टिक का तो जवाब ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया चिबा चिबा के खा के आई हूँ या फिर गुटखा चबा के आई हूँ, ऐसा ही लग रहा है। सारे फेस पे एकदम फैल गया है मेरा। गाइज, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखनी है। आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जितने भी लोग हैं जो बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं उनके पास जाके मेकअप करा सकते हो अगर मेरे घर से पास हो तो। और गाइज, नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियोस देखनी है आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। बेस्ट मेकअप देखना है, वर्स्ट मेकअप देखना है, या फिर कोई चैलेंजिंग वीडियो देखना है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।